गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास एट का एट स्कूल है ना। तो एट स्कूल के जो है स्टूडेंट्स है ना, उसको गांधी जी की जो याद है उसके बारे में बताया गया है कि गांधी जी किस प्रकार पढ़े लिखे है ना। तो ये गांधी जी की कुल मिला के आत्मा कथा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बोला जा रहा है कि व्हाट डू यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, टेल योर क्लासमेट अबाउट इट, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप अपने स्कूल में किस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, अगर अपने दोस्तों के बारे में बताइए, है ना। तो यहाँ पर जो गांधी जी हैं उनकी आत्मकथा के बारे में लिखा गया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, सत्य और मेरे प्रयोग से लिया गया है ये, है ना। यह सबक एक बालक के रूप में गांधी जी के अनुभवों की आंतरिक जानकारी प्रदान कर रहा है। हम यह भी समझ गए हैं कि सत्य और यथार्थता जो कि बहुत प्रिय है प्रिय थे उनके आरंभिक जीवन में प्रतिबिंब होते थे। सही बात है स्टूडेंट, गांधी जी एक सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। तो आइए देखते हैं इस लेसन को, है ना। आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन माई फादर लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट टू बिकम टू मेंबर ऑफ द राजस्थानी कोर्ट। क्या बोल रहा है कि मैं केवल 7 वर्ष का ही रहा होऊंगा जब मेरे पिता ने राजकोट में राजस्थानिक अदालत का सदस्य बनने के लिए पोरबंदर छोड़ दिया। देयर आई वॉज पुट टू ए प्राइमरी स्कूल एंड आई कैन वेल रिकॉलेक्ट दोज डे इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर हु टॉक मी एट अस पोरबंदर, सो हेयर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नॉट अबाउट माई स्टडीज। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि है ना, वहाँ मुझे प्राथमिक शाला में दाखिला दिलाया गया और मैं उन दिनों को अच्छे से याद कर सकता हूँ, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर, है ना। नाम तथा शिक्षकों की अन्य खास बातों को जो उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो गांधी जी बता रहे हैं अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि मैं अपने शिक्षकों की जो बात होती है उनको भी अच्छे से याद कर सकता हूँ करके। सो हेयर देयर इज हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज, आई कुड ओनली हैव बीन ए मेडियोकर स्टूडेंट फ्रॉम दिस स्कूल। आई वेंट टू द सबर्बन स्कूल एंड देन टू द हाई स्कूल हैविंग ऑलरेडी रीच्ड माई 12th ईयर। जैसे कि पोरबंदर में और वैसे ही यहाँ मेरी शिक्षा के बारे में शायद ही कोई विशेष टिप्पणी हो जिसे ध्यान दिया जाए। मैं केवल एक साधारण छात्र था। इस स्कूल से मैं सबरमन शहर के बाहर स्थित स्कूल चला और फिर 12 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल। तो गांधी जी बता रहे हैं कि 12 वर्ष की आयु में वो हाई स्कूल ज्वाइन कर डाले थे, है ना। आई डू नॉट रिमेम्बर हैविंग एवर टोल्ड ए लाई ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड आइदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूल मेट्स। इस स्कूल यहाँ तक मुझे याद नहीं आता कि इस समय अवधि में मैंने या तो शिक्षकों से या स्कूल के सहपाठियों से कभी कोई झूठ बोला हो। तो गांधी जी बता रहे हैं कि वो अपने जीवन में जब पढ़ाई कर रहे थे तो कभी भी झूठ नहीं बोला था। मैं बहुत ही संकोची था तथा सभी साथियों से दूर रहता था, बोल रहा है ना। आई यूज टू बी वेरी शाय एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी, माई बुक्स एंड माई लेसन वेयर माई सोल कंपेनियन। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मेरे पुस्तक होती थी है ना, और जो मेरे पाठ थे पुस्तक के, वही मेरे दोस्त थे, वही मेरे साथी थे, बता रहे हैं, है ना गांधी जी। टू बी एट ए स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सुन एज द स्कूल क्लोज्ड, दैट वॉज माई डेली हैबिट। सही समय पर स्कूल पहुंचना तथा जैसे ही स्कूल बंद हो दौड़ कर घर आना, यह मेरी रोजाना की आदत थी, है ना। तो क्या है, वो एकदम समय के पाबंद थे, गांधी जी बता रहे हैं। आई लिटरली रन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर टू टॉक टू एनीबडी, आई वॉज
इवन ए फ्रेट लास्ट लेस्ट एनीवन शुड पॉक फन एट मी। यह मेरी रोजाना की आदत थी, मैं सचमुच पीछे भागता था, लोगों से बचता था, बोल रहा है ना, मतलब लोगों से उसको मतलब बात करने में इंटरेस्ट नहीं था गांधी जी को, ज़्यादा शर्माते ज़्यादा थे, है ना, क्योंकि हर किसी से बात करना सहन नहीं कर सकता। मैं इस बात से भी डरता था कि कहीं कोई मुझ पर मजाक ना उड़ा दें। तो गांधी जी बताते हैं कि वो उन पर कोई मजाक मत ना उड़ाए, इसलिए बहुत ही डरते थे। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, गांधी जी वास ऑलवेज द टॉपर इन द हिज स्कूल, डू यू एग्री, गिव रीज़न, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो गांधी जी थे अपने स्कूल में हमेशा टॉपर रहते थे, क्या आप इससे सहमत हैं, कोई कारण दीजिए, बोल रहा है ना। तो स्टूडेंट मैं इसका जो नेक्स्ट है ना, आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।